हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन दांगी एकेडमी। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, जो भी स्टूडेंट अपना करियर एज ए नर्स बनाना चाहते हैं या इससे रिलेटेड किसी भी नर्सिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है जिसका आपको काफ़ी दिनों से इंतजार था। लगभग 2 सालों से ये जो वैकेंसी निकल कर आई है, भले ही 2022 में आई है, लेकिन इसकी जो डेट है यानी कि ये वैकेंसी 2021 की है जिसका आपको काफ़ी दिनों से इंतजार था। आप इसे चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल से। आपको कैसे चेक करना है उसकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो में आपको मिल जाएगी। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से इससे रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर नहीं मिल रहे थे क्योंकि जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में इन्फॉर्म कर चुकी हूँ, इस पर कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं की जाती है। जब भी कोई जेन्युइन अपडेट आता है तभी आपको इस पर वीडियो मिलेगी। सिर्फ व्यूज़ के लिए फेक वीडियो कभी भी इस चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। जो भी वीडियो मिलेगी आपको आपके स्टडी से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही इस चैनल पर मिलेगी। और यदि आप इसमें कुछ और नए अपडेट चाहते हैं, कुछ अपग्रेडेशन चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ताकि आपके लिए हम वीडियो को और बेटर कर सकें और इम्प्रूव कर सकें, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहे। सो स्टार्ट करते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, काफ़ी बड़ा अपडेट है। डेट सारी दी हुई है इसमें। यदि आप पीईबी खोलेंगे तो आपको जो होम पेज है या मुख्य पृष्ठ है वहीं पर इसका अपडेट देखने को मिल जाएगा। उस पर आप क्लिक कीजिए तो जो पूरी रूल बुक है वो डाउनलोड हो जाएगी और इजीली आप उसे रीड कर सकते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी इसके लिए अप्लाई करना चाहता है तो किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी और वीडियो पर बिलीव करने से बेस्ट है कि आप इस रूल बुक को डाउनलोड जरूर करें, एक या दो बार इसके इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से रीड करें, समझिए। और यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, जिसे PNST भी कहा जाता है, केवल महिलाओं के लिए, केवल गर्ल्स के लिए है। तो इसको जो फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 6 सितंबर 2022 से स्टार्ट हो रही है और जो लास्ट डेट है वो है 20 सितंबर। तो स्टूडेंट, कभी भी आप लास्ट डेट का वेट नहीं करें। यदि आपको PNST में फॉर्म भरना ही है, इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना ही है, तो कभी भी आप 20 तारीख का वेट नहीं करें। यदि आपको कोई भी ज़रूरी काम है तो उस काम को पहले निपटा लें या कोशिश करें कि एक या दो दिन पहले तो हम अपना फॉर्म ज़रूर भर दें, जब भी लास्ट डेट हो फॉर्म भरने की। सिर्फ इस एग्ज़ाम की बात नहीं की जा रही है, यदि आप अदर एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई करते हैं तो कभी भी लास्ट डेट का वेट आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका क्या फ़र्क पड़ता है। बाई चांस यदि आपके फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके बाद जो इसकी करेक्शन की डेट होती है वो भी काफ़ी नियरेस्ट होती है, जिससे कई बार क्या होता है कि आप चूक जाते हैं और वो मिस्टेक आपके फॉर्म में रह जाती है, जो कि बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार सारे इंस्ट्रक्शन जो रूल बुक है उसे केयरफुली रीड करें, देन जो लास्ट डेट है उसके पहले ही आप अपना फॉर्म फिल कर ले। तो देखिए, करेक्शन या संशोधन करने की जो डेट है वो स्टार्ट हो जाती है जिस दिन से फॉर्म भरना है उसी दिन से, और जो उसकी लास्ट डेट होती है वो होती है 25, यानी कि इसके बाद आपको 5 दिन और मिल जाते हैं। और परीक्षा का दिन दिया हुआ है इसमें 17 से 18 अक्टूबर 2022। तो आप मान के चलिए कि आपके पास में यदि एग्ज़ाम डेट कब है उसका 1 महीना तो आप मान के चलिए। ये 2-5 दिन आप रूल बुक अच्छे से रीड कीजिए, सिलेबस निकालिए, उसके बाद में आपको फॉर्म भरना है। और यदि इस दौड़ भाग में यदि आपको कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है इसमें निकल भी जाते हैं तब भी आप मान के चलिए 1 से 1.5 महीना पूरा आपके पास में। 1 महीना इसलिए मैं बता रही हूँ कि 1 महीना आपको प्रिपरेशन करना है, देन उसके बाद जो 15 डेज आपके लिए बचेंगे, भले ही एग्ज़ाम 17-18 को है बट आप मान के चलिए 15 डेज है आपके पास, उसमें आपको फुल रिविज़न करना है जितना भी आपने इस 1 महीने में स्टडी की है। तो आप यदि दांगी अकेडमी के साथ में इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा इससे पहले भी दांगी अकेडमी ने सिलेक्शन दिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको बेटर वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी इस चैनल पर, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, ताकि हम वीडियो को स्टार्ट कर सके, आपके लिए क्लासेस रेगुलर स्टार्ट कर सके। उसके साथ साथ आप टाइम भी मेंशन कर दीजिए ताकि हम लाइव क्लासेस ले सकें आपके लिए, जो कि ज़्यादा हेल्पफुल रहे। किस टाइम पर आपको पढ़ना है, जिस टाइम के लिए ज़्यादा वोट आएंगे या ज़्यादा कमेंट आएगी, हम उसी टाइम को
लेकर क्लासेस स्टार्ट करेंगे और कोशिश की जाएगी कि जो पूरा सिलेबस है वो 1 मंथ में ही कवर हो जाए और उसके बाद जो 15 डेज है उसमें आपका रिवीजन हो जाए। तो इसमें जो फीस दी हुई है यानी अनारक्षित के लिए 400 रुपये और बाकी ST SC OBC के लिए 200 रुपये हैं। एग्ज़ाम का टाइमिंग यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसे आप पूरी रूल बुक को केयरफुली रीड कर लें, अपना फॉर्म भर दें और आप जो भी टॉपिक में आपको डाउट है या जिस भी सब्जेक्ट में आपको डाउट है उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।